नमस्कार, आज 22 अप्रैल आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र की सभी मुख्य खबरें। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद और राज ठाकरे का अल्टीमेटम को लेकर 3 मई के लिए तैयार है मुंबई पुलिस। वहीं महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर, अजान के वक्त हनुमान चालीसा पर लगाई थी रोक। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में बेवजह नशा मुक्ति केंद्र में 65 वर्षीय नागरिक की कर दी गई हत्या, पुलिस छानबीन कर रही है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी गैंगस्टर अबू सलेम 25 साल बाद छूटेगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। वहीं कल शनिवार को 23 अप्रैल को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर 500 लोगों के साथ हनुमान चालीसा पाठ करेंगी महिला एमपी नवनीत राणा। महाराष्ट्र के मंत्रियों को सरकारी इलाज पर भरोसा नहीं, कोरोना से संक्रमित होने के बाद 18 मंत्रियों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया था इलाज। महाराष्ट्र के थाने की अदालत का शिकायतकर्ता पर जुर्माना, राहुल गांधी को 1000 रुपए देने को कहा गया। मास्टरमाइंड मौलाना वसीम मुंबई में धराया, हनुमान जयंती पर भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ ने हुबली में थाना और मंदिर पर किया था पथराव। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सम्मानजनक पदों पर आसीन लोगों को लापरवाही भरे बयान नहीं देना चाहिए, नारायण राणे की याचिका पर टिप्पणी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग टेक्निकल सर्विस का एडमिट कार्ड हुआ जारी, mpsc.gov.in से कर सकते हैं डाउनलोड। वहीं महाराष्ट्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 18 लाख रुपए के इनाम वाले 5 वंचित नक्सलियों को पकड़ा। फिलहाल मुंबई में बस, ऑटो, टैक्सी और मुंबई लोकल ट्रेन समान तरीके से चल रही हैं। आप देख रहे हैं SP अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।